महाराष्ट्र के तीर्थ क्षेत्र आलंदी में कार्तिकी एकादशी और संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवनी समाधि समारोह के अवसर पर आज संत ज्ञानेश्वर महाराज की संजीवनी समाधि को 724 साल पूरे होने पर इस महापर्व पर क्षेत्र आलंदी नगरी में संजीवनी समाधि पर जल अभिषेक महापूजा की गई। साथ ही संत नामदेव महाराज के वंशज का संजीवनी समाधि समारोह पर कीर्तन और महाआरती के बाद संत ज्ञानेश्वर और महाराज जी की संजीवनी समाधि पर फूलों की पुष्प दृष्टि करके संजीवनी समाधि समारोह संपन्न हुआ। हर साल बड़े पैमाने पर राज्य और देश भर से भक्त तीर्थ क्षेत्र आलंदी में दाखिल होते हैं, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते ये समारोह सरलता पूर्वक और मंदिर प्रशासन के पदाधिकारियों के बीच मनाया गया। आज ही के दिन संत ज्ञानेश्वर महाराज ने तीर्थ क्षेत्र आलंदी में समाधि धारण की थी। इस अवसर पर हर साल ये समाधि समारोह मनाया जाता है। इस समारोह के दौरान ज्ञानेश्वर मौली के जय घोष और भजन कीर्तन से आलंदी में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। आपको बता दें कि हर साल इस संजीवनी समाधि समारोह में लाखों वारकरी भक्त आलंदी में आते हैं, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा वारकरी भक्तों को आलंदी में आने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन परंपरा बंद न करते हुए सादे और सरलतापूर्वक तौर से कम भक्तों की उपस्थिति में ही ये संजीवनी समाधि समारोह आज संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज़, आलंदी।